नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिस्पी और टेस्टी पूड़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दो आलू ले लिए हैं, एक प्याज है, लहसुन और अदरक है। इन्हें हम रफली काट लेंगे। आलू प्याज को हमने काट लिया है, इन सभी को मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है और आधा चम्मच जीरे के साथ इसको पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना हमने। आलू प्याज पिस चुका है, इसी में हम 3 चम्मच सूजी डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल देंगे और फिर से इसे पीस लेंगे। इसी बर्तन में निकाल देंगे। अब हम आलू प्याज में 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालेंगे, अच्छे कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, दरदरी कुटी सौंफ डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे हम। एक कटोरी आटा डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना हमने। आटा हमने गूंद लिया है, इस पर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे इसे हम। और टाइट आटा नहीं गूंदेंगे हम। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तेल गरम कर लिया है, इसमें हम पूड़ी बेलकर छोड़ देंगे। गरम गरम क्रिस्पी पूड़ी बनकर तैयार है। दही या अचार के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।